सब नीट के एग्जाम के बाद ही शुरू होगी, जो कि लगभग सेकंड वीक ऑफ मई में होगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मुस्तबा। सो आज 30th ऑफ अप्रैल है, यानी सेकंड ओरिएंटेशन फिजिक्स वाला विद्यापीठ श्रीनगर का। फर्स्ट ओरिएंटेशन जो थी वो 27th थे, और बहुत सारी क्यूरीज आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने टेक्स्ट किया था 11th क्लास की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी और 12th की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। देखिए 11th एंड 12th का 100% कन्फर्म है कि वो 1st ऑफ मई से स्टार्ट होंगी, यानी कल से। एंड नीट प्लस जेई ड्रॉपर्स का भी कुछ कन्फर्म नहीं है। तो फिलहाल हम चले विद्यापीठ नीट प्लस जेई के ड्रॉपर्स हैं, उनकी क्लासेस के बारे में भी पता चलेगा इंशाल्लाह। और आज हमको किट भी मिलेगी, ठीक है, किट जो होती है, बैग वगैरह जो होता है, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं हम विद्यापीठ, वहीं मुलाकात होगी। ये हमारा हॉस्टल और ये मैक्सिमम बुक है, तो इसका नंबर भी आपसे शेयर करूँगा। अगर बाई इन केस कोई रूम खाली हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये है डबल शेयरिंग और सिंगल शेयरिंग, ये है ट्रिपल शेयरिंग। यहाँ स्प्रेड बाथरूम वगैरह, स्प्रेड वाशरूम वगैरह आपको मिलेगा। ये रहे हमारे अमान भाई, हाय। और ये है, यहाँ फैकल्टी रहती है, मैक्सिमम फैकल्टी यहाँ है। तो वैसे हमको आज ही पता चलेगा कि ड्रॉपर्स की क्लास कब से लग रही है, चाहे वो नीट हो चाहे वो JEE हो। एंड यहाँ की जो लोकेलिटी है काफ़ी अच्छी है, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है स्टूडेंट्स को, और बिल्कुल ही कोई भी नॉइस नहीं अंदर आता है, गाड़ियों का, ट्रैफिक्स का बहुत अच्छा है, पार्किंग एरिया भी है और मस्जिद भी नज़दीक है, इम्पोर्टेंट बात है। एंड कभी कभार हम यहाँ भी पढ़ते हैं। एंड फूड बहुत अच्छा मिलता है, फूड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, और जो कुक है बहुत अच्छा फूड बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पर सबसे अच्छी बात ये भी है, जो हमारा हॉस्टल है 3-4 मिनट की दूरी पर है, यानी अप्रॉक्स 500 to 600 meters, है ना। हाँ, तो वही 5-10 मिनट लगते हैं हमको चलने में भी। मैक्सिमम क्वेरीज फैकल्टी के बारे में आते हैं कि यहाँ कश्मीर की होगी या बाहर की होगी। जैसे कि अभी तक हमने देखा मैक्सिमम फैकल्टी जो है वो की बाहर की है, उसमें टोटल 20% कश्मीरीज है, 20% कश्मीर के हैं वो स्टाफ है सिर्फ, और मैक्सिमम जो है बाहर के वो सारे मतलब सब्जेक्ट टीचर्स हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं। ये देखिए विद्यापीठ श्रीनगर, आप देख रहे हैं ये आदि अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, एंड कुछ बनी हुई है, तो आप देख सकते हैं। जैसा कि टीचर ने बोला लगभग कि बिल्डिंग जो है इस महीने की मई यानी मई की एंडिंग तक ख़त्म हो जाएगी, तब तक ये पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी। बिल्कुल, और अब हम क्रॉस करेंगे तो फिर आपको अंदर से दिखाएंगे। वो तैयार रखना बस। I will be leading this institute. We are non-academic activities, I'll be your business athlete.
So one thing that I want to make clear to all of you that first thing that we all have to say is that हमारे यहाँ आने का मकसद क्या है? ठीक है बेटा? आपको बहुत बार places हैं। बात ये है कि ज़िंदगी में वही इंसान, वही बच्चा कामयाब होता है जब अपने दिमाग के घोड़े की लगाम आपके हाथ में रखती है। हम दो घोड़े, एक बिना लगाम के और एक लगाम लगा के। मुझे बता इन दो घोड़ों में प्रॉपर तरीके से कौन चलेगा, प्रॉपर डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा। ये तो सबको क्लियर है ना? हमारी क्लासेस कब से होगी सर? आपकी भी हो जाएगी थोड़ी देर में स्टार्ट, तो आप मुझे बताएं रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया? जी सर, रजिस्ट्रेशन हो गया। चलो ठीक है, अब एक काम करना, कोई भी इशू अगर होगा मुझे बता देना। फाइनली जो ओरिएंटेशन थी आज की फेज टू वो ख़त्म हो गई। हमने सोचा हमारी क्लासेस भी कल से ही शुरू होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा हुआ नहीं। हमारी क्लासेस अब नीट के एग्जाम के बाद ही शुरू होंगी, जो कि लगभग सेकंड वीक ऑफ मई में होंगी। ड्रॉपर गए हैं, चाहे वो नीट है या चाहे वो जेडब्ल्यू है, तो उनकी जो ओरिएंटेशन होगी वो एक और बार होगी, शायद नीट के एग्जाम के बाद ही। एंड तभी आपको किट्स वगैरह भी मिलेंगी, जो इनका वो है वेलकम किट एंड सब कुछ, वहीं उसके बाद ही क्लासेस भी स्टार्ट होंगी। और यहाँ थोड़ा हम ग्राउंड बेड वगैरह, क्योंकि हॉस्टल की लाइफ आपको पता ही है, उसके लिए कुछ चीज़ें, क्योंकि घर की डाइट तो यहाँ मिलती नहीं। हालांकि जो यहाँ का फूड है बहुत अच्छा है, और चिकन हफ्ते में दो बार देते हैं, एक बार पनीर देते हैं, बाकी दिन दाल वगैरह देते हैं, लेकिन बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन फिर भी वही अंडे वगैरह वो तो लाने पड़ते हैं। एक अच्छा ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसके बाद ही एक अच्छा दिन निकलेगा। सही बात है। मैं आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि इस हॉस्टल जहाँ हम रहते हैं कैपेसिटी है कि नहीं, अगर होगी इंशाल्लाह तो मैं आपको बता दूंगा। सो फाइनली हम हॉस्टल पहुँच चुके हैं और अभी मैस लगने वाली है नीचे, तो इंशाल्लाह चलिए आपको भी दिखाते हैं कि आज मैस में क्या बना हुआ। और आज मेस में बना है जी राजमा दाल और ये चावल है। तो वीडियो एडिट करते करते मुझे ये बात जहन में आई कि अगर आपको कोई और क्वेरी हो या कोई और क्वेश्चंस हो बेच के रिलेटेड या क्लास के रिलेटेड या विद्यापीठ श्रीनगर के रिलेटेड, तो मुझे इनबॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।